संभावना है। नरसिंहपुर जिले की बरमान पुलिस चौकी अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं उसे बेचने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपी गिरफ्तार, दो अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। नरसिंहपुर जिले के बरमान चौकी अंतर्गत नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर इटारसी ले जाकर बेचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बरमान निवासी लड़की को ट्रेन में गुटखा पाउच बेचने वाले लोगों ने बहला फुसलाकर उसे अपने पास इटारसी में रख लिया और फिर उसे बेचने की फिराक में ग्राहक का इंतजार करने लगे। उक्त आरोपियों ने अशोकनगर के एक अधेड़ से उसकी मंदिर में शादी करा दी और शादी के एवज में उससे 60,000 भी ले लिए। लड़की के परिजनों ने जब इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस हरकत में आई और उन्होंने खोजबीन शुरू की। खोजबीन से पता चला कि लड़की को ट्रेन में गुटखा बेचने वाले लोगों ने उसका अपहरण कर इटारसी में उसे रखा था और बाद में उसे अशोकनगर में शादी के नाम पर बेच दिया था। कौन कौन? तुम्हारे गांव का बजरंगी है। तीन जी थे। कौन लेकर आया था तुम्हारे पास में? चार ही साथ में आए थे। क्या बोले तुम? बोले शादी करने करने हैं 50,000 रुपये लगे थे। तुम्हारी पहचान तो होगी ना पहले, जब तुम तुम्हारे यहाँ चले गए? हमारे गांव का एक बड़ा रहता है टार से। हाँ, वो हमसे टच है तो उस बात से टच। इसीलिए तो मैं बोलो तो कहीं ना कहीं पहचान तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट जी। पैसे पैसा शादी हुई और फिर उसके बाद कब पकड़ लिया तुमको? चलो बस एक दिन बाद। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने दो युवक एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य दो आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है। पुलिस की इस कड़ी मशक्कत के बाद लड़की अपने परिवार वालों के साथ में है। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। थाना नरसिंहपुर के अंतर्गत बरमान चौकी में एक नाबालिग लड़की घर से नाराज होकर चली गई। जैसे ही पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को घटना पता चली, उन्होंने तत्काल एक टीम फॉर्म करी और उसके पीछे लगाया। लड़की के जाने के 12-13 दिन बाद आके उसके पिताजी ने चौकी पर रिपोर्ट करी, जो बदनामी के डर से वो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे ही चौकी वाली को निर्देशन मिले, उन्होंने तत्काल सक्रिय होकर उस लड़की को बरामद कर लिया है। और ये बात पूरे घटनाक्रम में सामने आई कि लड़की घर से जाने के बाद इटारसी के स्टेशन पर पहुँची, जहाँ उसे एक आदमी लक्ष्मी राजपूत और निक्की शर्मा, ये दो लोग मिले। इनकी अलग कहानी है। निक्की जो है 3,200 रुपये का मूल्य में जमानत पे है और लक्ष्मी का पति भी जो है वो जेल में लूट के आरोप में बंद है। तो ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इन लोगों को जैसी लड़की मिली, उन्होंने बहरा फुसला के अपने पास रख लिया और बाहर जाके एक बार उन्होंने बीना तरफ और फाइनली अशोकनगर में जाकर लड़की को बेच दिया। लड़की पूरा 60,000 बात हुई, 40,000 रुपये नगद लगे। बीच में दो बिचौलिया इसमें और है, एक गजराज सिंह और दूसरा आसिफ। गजराज सिंह और आसिफ अभी गिरफ्तारी शेष है, बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की बरामद हो गई है। 20,000 रुपये जो दिए, 40 में से 20,000 रुपये जो दिए गए थे वो बरामद कर लिए हैं। इस तरीके से जो नाबालिग लड़की को बेचा गया था, इसमें धारा 363, 366, 368, 368A, 368, 376, 376 के अंतर्गत को गिरफ्तार करके और पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने किसी और भी कहीं इस तरीके से लड़की को बेचा है या नहीं बेचा। मामले की अन्वेषण जारी है। चौकी प्रभारी ने अथक परिश्रम करके जो लड़की बरामद किया है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।